सवाल उठाता है तो नीतीश जी गुस्सा हो जाते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं, उन युवाओं के ऊपर जो उनसे सवाल कर लेते हैं। अगर ट्विटर पे कोई ट्वीट भी कर देता है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री के अंदर इतना ज़्यादा अहंकार है कि मुख्यमंत्री उस यूथ को उठा के उसकी जवाब बंद करना चाहता है, जबान बंद करना चाहता है, उसके ऊपर केस करके अंदर कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। इस समय हम बिहार के पटना राजधानी में और 28 तारीख से बिहार में चुनाव और सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप लगा रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ जाप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जैद खान हैं, इनसे जानेंगे इनकी पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे, बिहार इलेक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। नमस्कार। जिस तरीके से सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, आपकी पार्टी क्या पिक्चर में है बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, हम आरोप लगाने से हम नहीं मानते कि कुछ होने वाला है। हम काम कर रहे हैं, 2015 से लगातार जनता के बीच में है। चाहे चमकी बुखार आता है, बाढ़ आती है, सुखाड़ आती है, कोरोना आता है या फिर लॉकडाउन होता है, जिस तरीके से हमारे नेता ने बिहार की जनता के लिए काम किया है और जहाँ हम खड़े हैं अभी कुम्हारा में, जिस विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ ये पूरा डूबा हुआ था, इसके लिए हमारे नेता ने 8 से 10 दिन अपने घर नहीं गए, इतने इतने कमर तक के पानी में लोगों को दूध की पैकेट, खाना, अपना सब कुछ जान लगा दी जिस पटना को बचाने के लिए। अगर उसके लिए आप कहेंगे हमको आरोप प्रत्यारोप लगा के वोट लेना है तो बड़ी शर्म की बात है। हम काम पे विश्वास रखते हैं, काम किए हैं, जनता अब हमको रिजल्ट देगी। हमारे जो हम काम किए, हमारी मेहनत का मेहनताना वो वापस जनता वापस करेगी। ये तो मानना पड़ेगा कि आग लगी तो पप्पू यादव, बाढ़ है तो पप्पू यादव, कुछ भी होता है बिहार से लेके पटना से लेके दिल्ली तक। कोरोना काल में भी सभी ने देखा वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पप्पू यादव ने एक अच्छे नेता का होने का कर्तव्य काम किया बिहार के अंदर। लेकिन जब चुनाव होता है, जैसे पिछले बार जब चुनाव हुआ था वो इलेक्शन हार गए थे, जब भी मतलब चुनाव होता है, आज भी एक रेट निकला है कि परसेंटेज निकला है कि तेजस्वी यादव 27% जो लोग पसंद कर रहे हैं, 31% नीतीश कुमार को लोग पसंद कर रहे हैं, 4% बाकी नेताओं को, लेकिन पप्पू यादव को क्यों नहीं? हम कहते हैं पहले जो सर्वे होता है, ये होता कहाँ पे है सर्वे, किन के बीच में होता है? आज तक ने किया तो किन लोगों के बीच में जाके किया? वही जो गाड़ी बंगले में घूमते हैं या फिर फोन पे उनसे करा लेते हैं, जो रूरल एरिया में बैठे हैं उनसे क्यों नहीं जाके पूछते? जो झुग्गियों में, यही पटना में जाने कितनी झुग्गियाँ उनमें रहते हैं, उनसे क्यों नहीं कोई जाके सर्वे करता है? उनके दिल में, उनके रोम रोम में पप्पू यादव बसते हैं और वो आप लोगों को इस 10 तारीख को देखने को मिलेगा, पप्पू यादव किस तरीके से पूरे बिहार में बिना पप्पू यादव की किसी की सरकार नहीं बनने वाली है इस बार। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी चीफ से भी गठबंधन हुआ, कारगर साबित होगा लोगों का कहना है, तो आपके हिसाब से ये गठबंधन कितना सही है? मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा गठबंधन है, बहुत मजबूत गठबंधन है। अगर बिहार में आप कहिए गठबंधन किसी का हुआ है तो 7 पार्टियों का गठबंधन हमारा है, महागठबंधन अगर कोई कहता है तो पप्पू यादव जी के साथ है, पीडीए के नाम से जिस गठबंधन को बनाया गया, और ये सबसे सफल और कारगर गठबंधन शामिल होगा आपको, और 10 तारीख को ये एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे बिहार को मिलेगा। मैं 2 दिनों से पटना हूँ, काफ़ी युवाओं से बात किया तो उसके बाद पता चला कि नीतीश कुमार की सरकार से बहुत नाखुश हैं लोग। इससे पहले तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की भी सरकार थी तो उससे भी नाखुश थे जो बुजुर्ग लोगों ने बताया। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा कि बिहार में काबे एक गाना बहुत चल रहा है, गाना के माध्यम से, पहले स्लोगन चलता था, अभी गाने चल रहे बिहार में काबा, बिहार में ही बा। आपके हिसाब से पिछले 15 साल में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने क्या दिया और इस समय बिहार में काबा और क्या होना चाहिए? मैं नीतीश कुमार के बारे में ये कहना चाहूँगा, बहुत लोग बोलते हैं जिस तरह से टीवी चैनल पे जो पेड चैनल्स हैं, मैं सारे चैनल को नहीं बोलता हूँ, जो कुछ पेड चैनल हैं जो सरकार के इशारे पे काम करते हैं, जो अखबार सरकार के इशारे पे लिखते हैं, जो लिखते हैं कि नीतीश कुमार लौह पुरुष हैं और विकास पुरुष हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश कुमार लहू पुरुष हैं और विनाश पुरुष हैं। बिहार में उन्होंने कुछ नहीं किया, जिस तरीके से जंगल राज 15 साल पहले तक अगर आप ग्राफ चेक करिएगा क्राइम का, तो कहीं से कम नहीं है, ग्राफ का रेट ऐसे बढ़ा है, कहीं से ऐसा नहीं हुआ, किसी भी साल दर साल, चाहे रेप हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, ग्राफ ऊपर हमेशा गया, कभी नीचे नहीं आया, चाहे 15 साल उनका रहा और 15 साल इनका रहा, दोनों को जनता ने देख लिया है, परख लिया बहुत अच्छे से, आप इन दोनों लोगों का घर जाने का टाइम आ चुका है। बेरोजगारी यूथ आज बाहर जाता है, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, वहाँ बेइज्जत होता है, गाली खाता है, उसके बाद वहाँ सर्वाइव करना पड़ता है उसको, रूम लेके रहने का सब कुछ, जब सारी सुविधाएं, उसको एक इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा पाए आज तक नीतीश कुमार? यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी, जो मिल, चीनी मिल थी, सारी बिहार में बंद क्यों गई? यूथ आज जब सवाल उठाता है तो नीतीश जी गुस्सा हो जाते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं, उन युवाओं के ऊपर जो उनसे सवाल कर लेते हैं। अगर ट्विटर पर कोई ट्वीट भी कर देता है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री के अंदर इतना ज़्यादा अहंकार है कि मुख्यमंत्री उस यूथ को उठा के उसकी जवाब बंद करना चाहता है, जबान बंद करना चाहता है, उसके ऊपर केस करके अंदर कर देता है।
एक आखिरी सवाल मेरा ये कि अगर आपकी सरकार बनती है, पप्पू यादव की सरकार बनती है, तो वो जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, जो छात्र, उनके लिए वो क्या करेंगे, क्यों उनको वोट दिया जाए? हमने प्रतिज्ञा पत्र दिया है, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। 3 साल का हमने हाईकोर्ट से एफिडेविट लगाया है, अगर हम 3 साल में नहीं करते हैं तो उसके जवाबदेही हमारी पार्टी, हमारे नेता होगा। हम युवाओं के लिए इंडस्ट्रीज लाएंगे, फैक्ट्रीज लाएंगे, आईटी इंडस्ट्रीज लेके आएंगे बिहार के अंदर। हमारे युवा भाई साथी कोई अच्छा पढ़ाई करने चाहेंगे उनको बिहार के अंदर मिलेगी, पढ़ने के बाद जॉब भी बिहार में करेंगे तो हमारे जो पढ़ेगा यहाँ वो कमाएगा यहाँ तो खर्च भी यहाँ करेगा, इस तरीके से बिहार के अंदर ग्रोथ होगी। और हमारा ये स्कीम है कि कोई भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज अगर बिहार में लगेगी उसको बिहार सरकार की तरफ से टैक्स फ्री किया जाएगा। तो हम एक बहुत अच्छी पहल करेंगे बिहार के अंदर सरकार बना के काम करने का, हमारे पास पूरा ब्लू प्रिंट है और हम उस पर ही काम करेंगे। और पूरा ब्लू प्रिंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच में पप्पू यादव जी हमारे नेता पहुंचा चुके हैं और घर घर हम लोग पहुंच के रहे हैं और अपनी बात जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं और जनता हमारी बात एक्सेप्ट कर रही है। उसको भी अच्छा लग रहा है कि अगर 15 साल इनको भी देख लिए, 15 साल उनको देख लिए, 5 साल पप्पू यादव मांग रहे हैं इनको भी देख के देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये थे हमारे साथ जैद खान, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो जो लोग, जो गरीब जनता है, जो छात्र है, जो बाहर जाकर कमाते हैं मजबूरी में, उनको जाना नहीं पड़ेगा, बिहार में ही उनको काम मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री खोली जाएगी, कंपनियां खोली जाएंगी जहां पे उनको रोजगार मिलेगा, तो वो बिहार में रह के अपने घर पर रहकर ही काम करेंगे जिससे बिहार की उन्नति होगी, इनका साफ तौर पर कहना है। तो कैमरामैन सद्दाम के साथ पारितोष मल, पटना। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।